ओम शांति। मेरा शरीर का नाम साधना। मुझे ज्ञान में आई हूँ 2013 में मैं ज्ञान में आई हूँ। उससे पहले मैंने 2004 में गुरु ज्ञान ले रखा था, तो उस पे चलते चलते भक्ति भी बहुत रस में जैसे कहते हैं करती थी, मगर कुछ तलाश थी, जैसे कि घर में कई प्रॉब्लम्स चलती थी, बहुत कुछ डिस्टर्बेंस रहती थी भक्ति में इतना चलने के बाद भी। मगर जब इस राह पे चलते चलते एक शिवानी दीदी की मैं क्लासें बहुत सुनती होती थी, जब उनकी क्लास सुनती थी तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती थी और भक्ति में भी रस था। सुबह वही अमृत वेला 4 बजे शुरू से ही उठती थी, बचपन से ही ये मेरे में एक संस्कार था। और धीरे धीरे जब भक्ति में चलती थी तो जब मैं उन्होंने हम गुरु ज्ञान में एक माला कहते ना, बाबा ने माला को कैसे छुड़ाया, ज्ञान में आने के बाद वो माला वगैरह सब गुरु सब छूट गए, क्योंकि सच्चा सच्चा गुरु मिलने के बाद कोई दरकार नहीं रही। इसलिए सभी को यही मैसेज है कि आप अपने जीवन में अगर सच्चा परिवर्तन लाना चाहते हो तो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में आकर कोर्स जरूर कीजिए। ये एक पढ़ाई है जीवन में चलने के लिए। सत्य का मार्ग, सत्य मार्ग को पहचानना ही हमारी सच्ची पहचान है। सभी इसी मार्ग पे चल के सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। ये जीवन में जब हम चलते हैं तब पता लगता है। जो अच्छा लगता है उसे ग्रहण कीजिए, जो नहीं लगता उसे छोड़ दीजिए, मगर चलिए। ऐसे ही मैं भी काफ़ी देर तक, जब ज्ञान लेने के बाद भी 2 साल तक मैंने भक्ति को नहीं छोड़ा था। भक्ति क्योंकि मैं दीदी जब मुझे कोर्स करा रहे थे तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आप अभी भी मंदिर जाते हो, मैंने बोला हाँ जाती हूँ। कहते क्यों, मैंने कहा, मैंने उन्हें कहा कि मुझे अगर ज्ञान भी समझ नहीं आया और भक्ति भी छोड़ दी तो ना मैं इधर की ना उधर की, मगर अब समझ आने के बाद मैंने भक्ति का वो मार्ग बिल्कुल अपने आप छूट जाता है। सभी भाई बहनों से यही मैं कहूँगी कि आप इस ज्ञान को समझिए, इस गहराई को समझिए। समझने के बाद ही हम जब खुद अनुभव करते हैं तो यही सच्चा रास्ता है। ओम शांति।